मैं तो ऐसा सतगुरु पाया, रहम करो रहमान मिलेंगे, दया करो भगवान मिलेंगे। पिघल कर आँखों से निकल आया, इन आँसुओं की माला लो भेंट है तुम्हारी। आया हूँ दाता दर पे, विनती सुनो हमारी। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज 30 नवंबर 2021 को काशीपुर के आप प्रेमियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। देखो, ये काशीपुर उत्तराखंड में है और उत्तराखंड ये जो भूमि कही जाती है, यहीं पर ऋषि मुनियों ने तपस्या किया, कुछ हासिल किया। देखो, जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी न तो कोई जाति होती और न कोई उसका धर्म होता है और न उसके अंदर कोई ज्ञान रहता है। यह उस पर निर्भर करता है कि जिस जाति में पैदा होता है, जिस धर्म के मानने वाले के घर में पैदा होता है और जिस तरह से पालन पोषण होता है, उसी तरह से वो बन जाता है। अब यह है कि अगर साथ बुरे का पड़ गया तो उसके अंदर बुराइयां आ जाती हैं, और अच्छे का साथ अगर मिला तो वही अच्छा बन जाता है। तो ऐसे समझो कहा गया कि आदमी से इंसान बन जाता है और इंसान से भगवान बन जाता है और भगवान से परम पिता बन जाता है। अब इसका क्या मतलब है कि जब ज्ञान नहीं है तो कुछ भी खा रहा है, कहीं भी घूम रहा है, कुछ भी कर रहा है, खाने की जरूरत तो पड़ेगी। आप ये समझो कि पशु भी खाते हैं, उनको कोई खिलाता है या खुद वो खाते हैं, खानी जरूरत उनको भी पड़ती है शरीर चलाने के लिए, और आदमी को भी खाने की जरूरत पड़ती है। तो जहाँ जैसा वातावरण रहता है उसी हिसाब से उसको खाने की जरूरत पड़ती है। पशु भी देखो बच्चे पैदा करते हैं और मनुष्य भी बच्चा पैदा करता है, तो उनको ज्ञान नहीं होता है, किसको, पशुओं को, कि ये मेरी माँ की औलाद है। एक माँ से दो बच्चे पैदा होते हैं, एक लड़की होती है, एक लड़का होता है, ऐसे उसमें नर और मादा होते हैं। उसको ये ज्ञान नहीं रहता है कि ये मेरी बहन है। बैल को ज्ञान रहता है, घोड़े को ज्ञान रहता है, गधे को ज्ञान रहता है, कोई ज्ञान नहीं रहता है। आप देखो, अब अगर उसी तरह से अज्ञानता में आदमी भी काम करने लग जाए तो आदमी में और जानवरों में अंतर क्या रह जाएगा। तो आपको समझने की जरूरत है प्रेमियों,
कि यह मनुष्य शरीर जो आपको मिला है यह खाने पीने और मौज मस्ती के लिए ही नहीं मिला है। यही न सोच लो आप कि हमको खा करके शरीर को चलाते रहना है, इसके लिए बढ़िया से बढ़िया खाने का इंतजाम कर लेना है, कपड़े का इंतजाम कर लेना है, घर बढ़िया बना लेना है, समाज में मान प्रतिष्ठा इज्जत ही बढ़ा लेना है, यही चीज नहीं समझ लो। यह भी समझने की जरूरत है कि दूसरों को भी आप खिला सकते हो। पशु तो खुद ही खाते हैं और दूसरा उनका घर कोई खाने लगता है तो उसको मार कर भगा देते हैं, छीन कर खा लेते हैं। लेकिन आदमी एक ऐसा है जो दूसरों को भी खिला सकता है, दूसरों को भी आप समझो पहना सकता है और उपकार कर सकता है। तो आप इस बात को समझो कि जो काम आप कर सकते हो वो नहीं कर सकते हैं। देखो आपके शरीर के अंदर पांचों तत्व पूरे के पूरे हैं, जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश, ये पांचों तत्व हैं। जब ये पांचों तत्व पूरे रहते हैं तो हाथ पैर आंख कान ये सब ठीक से काम करता है, बुद्धि दिल दिमाग ठीक से काम करती है। और एक तत्व की कमी हो जाती है तो देखो आदमी पागल हो जाता है। जैसे कुत्ता मल खाता है, टट्टी जिसको लैट्रिन कहते हो, ऐसे आदमी को भी ज्ञान नहीं रहता है, वो अपना यानी त्याग किया हुआ लैट्रिन खा लेता है। क्यों? क्योंकि बुद्धि नहीं है, आकाश तत्व की कमी हो गई। जानवर देखो वही काम बहुत सा करते हैं जो आप करते हो, जैसा आपको बताया, लेकिन वो ऐसे सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं। आप सीधे खड़े हो सकते हो, आप आसमान को देख सकते हो, आप समझो कि ऐसे गर्दन घुमा करके पीछे के हिस्से को देख सकते हो, जानवर नहीं देख सकते हैं। तो अगर वही काम आदमी भी करने लग जाए तो आदमी में और जानवरों में अंतर क्या रह जाएगा? तो आपको समझने की जरूरत है, बहुत से लोग जिनको जानकारी नहीं है, आदमी रहते हुए भी उनके अंदर खाली पशुता पशुता ही रह गई है। तो आदमी से इंसान बन जाता है। इंसान किसको कहते हैं? वही जो दूसरों के काम आता है। अपने लिए तो सब लोग करते हैं, अपने बच्चे का पालन पोषण सब लोग करते हैं, जो दूसरों का कर देता है कहते भाई ये बड़े अच्छे इंसान हैं। आदमी दूसरों को जो रास्ता बता देता है, दूसरों को चला देता है, दूसरों को समझा देता है, धर्म जो मानव धर्म है सिखा देता है, उसको कहते ये बड़े अच्छे इंसान हैं। और इंसान ही भगवान बन जाता है। भगवान किसको कहते हैं? जो भग से पैदा होते हैं। भग किसको कहते हैं? कमर के नीचे के हिस्से को भग कहते हैं। तो ये जो दो स्थान हैं यानी जो नीचे के मनुष्य शरीर के सोराख हैं वो भग कहलाते हैं। तो उससे जो पैदा होते हैं और अच्छा काम करते हैं वो भगवान कहलाते हैं। देखो राम की पूजा हो रही है, कृष्ण की पूजा हो रही है, आप देखो महात्मा लोग आए, संत लोग आए, ऋषि मुनि आए, उनको लोग याद कर रहे हैं, उनकी मूर्तियां बनी हुई हैं, उनके नाम के आप समझो कि स्थान बने हुए हैं, आपके उत्तराखंड में भी कई जगह पर बने हुए हैं। तो उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने अपनी आत्मा को जगाने का काम किया। अब यह जरूर है कि यह आत्मा उनकी जहाँ तक की पहुंची, तहाँ तक का उनको ज्ञान हुआ, तहाँ तक की सिद्धि मिली, और उस सिद्धि को वो लेकर चले नहीं गए, उस सिद्धि के द्वारा लोगों की भलाई किया, उपकार किया, तभी तो उनको लोग जान पाए। ऐसे भी लोग हैं जो पहाड़ों पर, आपके यहीं इसी पहाड़ पर यानी यहीं उत्तराखंड में तपस्या करते रहते हैं, आत्मा की थोड़ी बहुत शक्ति उनको मिली हुई है, लेकिन उसका उपयोग वो दूसरों के लिए नहीं कर पा रहे हैं, वो तो अपने में ही अपने काम में बनाने में लगे हुए हैं। अब क्योंकि रास्ता उनको सही नहीं मालूम है इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, लेकिन वो उसी में संतुष्ट हैं। आप जो संत मत के आदमी हो, सत्संग सुनते रहते हो, आपको जानकारी है कि सृष्टि की रचना कैसे हुई, वो इस बात को समझ जाओगे।
जब काल भगवान ने सत्पुरुष से जीवों को सृष्टि के विस्तार के लिए मांगा था, तब उन्होंने कहा कि ठीक है ले तो जाओ, लेकिन हम संतों को निकालने के लिए भेजेंगे, जीवों को, इनको हम वहां तुम्हारे ही जाल में फंसे रहने के लिए नहीं छोड़ेंगे। तब उसने कहा ठीक है आप संतों को भेजिए, लेकिन संत अपने साथ कोई जीव को नहीं लाएंगे, रास्ता बताएंगे, समझाएंगे, मनाएंगे, घर लाने के लिए प्रेरणा देंगे और मदद उस हिसाब से करेंगे, उनके द्वारा कर्म करवा करके वो मदद करेंगे और फिर लाएंगे। दूसरी चीज कहा कि पिछले जन्म का इनको कुछ याद न रहे, तो पिछले जन्म का आपको कुछ याद है? कुछ नहीं याद है, माँ के पेट में थे तो सब याद था, पूरा दिखाई पड़ता था, तभी तो रोते थे, प्रभु से कहते थे तकलीफ को देख करके। पिछले जन्म में कहीं कुत्ता बन गए, बिल्ली बन गए, कहीं मुर्गा भैंस बकरा बन गए, काट दिए गए, हाथ पैर काट दिया, तड़प रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, जब ये देखा तब प्रार्थना किया प्रभु जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, निकालो बाहर, समर्थ गुरु की तलाश करूंगा, रास्ता ले करके दिन रात भजन करूंगा, फिर आपको कभी नहीं भूलूंगा, आपके चरणों में हमेशा लिपटा ही रहूंगा। लेकिन बाहर आने के बाद भूल गए, तो ये मांगा उसने कि भूल और भ्रम का पर्दा हमारा लगेगा, पैदा होते ही उनको याद नहीं रहेगा, इस वरदान को आप मत काटिए मेरे, ये वरदान दीजिए हमको। और कहा जो जिसमें रहे उसी में खुश रहे, आप देखो जो जिसमें है उसी में खुश है, हर योनि के लोग अपनी अपनी योनि में खुश हैं। आप बताते हो अच्छे आदमी हो, प्रचारक भी इसमें कुछ हो, प्रचार करते हो कि भाई अब इस वक्त पर जय गुरु नाम से कल्याण होगा, वक्त के गुरु, वक्त के नाम, वक्त के मास्टर डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, वक्त का ये जय गुरु जगाया हुआ नाम है, उसी तरह से अनिश में शक्ति है, जैसे महापुरुषों ने नाम को जगाया था, बल्कि अब इस समय पर और ज्यादा शक्ति है, लेकिन जल्दी सुनने को तैयार है? वो तो कहते हैं बस हमारे पिताजी जो व्यापार किए थे वही हम करते रहेंगे, जो खेती किए थे वही हम करते रहेंगे, फसल हो न हो, बच्चे भूखो रह जाएं, कोई मतलब नहीं है, वो तो बस उसी को करने में लगे हुए हैं, जड़ की पूजा में लगे हुए हैं। जब तक इस शरीर से चेतन की पूजा नहीं करेंगे, चेतन मिलने वाला नहीं है, क्योंकि प्रभु भी चेतन है और ये जीवात्मा भी चेतन है, उसी की अंश है ये, उसी की वजह से शरीर चेतन है, तो चेतन शरीर से जब चेतन की पूजा करते हैं तो मिलता है। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि वो जो लोग कुछ सिद्धि मिल गई जिनको, वो उसी में खुश हैं। आप ये समझो कि किसी की तरक्की की बात करो, चाहे भौतिक तरक्की चाहे रूहानी तरक्की, लेकिन जल्दी वो उस बात को कबूल नहीं करना चाहता है, ठग मिल जाए, ठगी कर लें, ठग जाए वो बात अलग है, लेकिन ऐसे साधारण तौर पर जल्दी स्वीकार नहीं करता है। तो ऋषि मुनि और योगी योगेश्वर लगे हुए हैं, लेकिन प्रेमियों समझो परोपकार करना चाहिए। कैसा परोपकार का मतलब क्या होता है? यही दूसरे की मदद कर दें। कहते लड़की की शादी किया, बहुत खर्चा हो गया, बड़ा परोपकार किया, लड़की की शादी करना तो आपका धर्म है, दूसरे के लड़की की शादी कर देते, दूसरे को खिला देते, जिससे आपको कोई खाने की इच्छा न रहती, कभी आपको गरीब आदमी था खिला न पाता, आप समझो रिश्तेदार आए बढ़िया से बढ़िया खिलाओगे कि हम जाएंगे तो ये भी खिलाएंगे, लेकिन दूसरे को खिला दो तो वो परोपकार होता है। तो आप समझो कि आदमी अनिश से इंसान बन जाता है, और इंसान से जब अच्छा काम करता है, दूसरों की भलाई के लिए काम करता है, तो वही भगवान बन जाता है। देखो दर बदर ठोकरें खानी पड़ी किसको? राम को, जितने महापुरुष हुए सबको, चाहे राम रहे हों, चाहे कृष्ण रहे हों, चाहे मोहम्मद रहे हों, चाहे ईसा मसीह रहे हों, समय पर महापुरुषों को जल्दी लोग पहचान नहीं पाते हैं, लेकिन वो जिस काम के लिए आते हैं अपना काम पूरा करते हैं।
अपने शरीर को गला कर तपा कर तकलीफ दे करके नंगा रख करके भूखा रख करके इस धरती पर काम करते हैं। लेकिन प्रेमियों ये बात समझो कि जिन्होंने थोड़ा त्याग किया पूजा उन्हीं की हुई। आप ये समझो राजा महाराजा एक से एक हुए लेकिन किसी की पूजा नहीं हुई। जिन्होंने त्याग किया लंगोटी लगाया पूजा उनकी हुई। किसके लिए किया? दूसरों के लिए किया। किसके लिए किया? यानी समझो आम लोगों के लिए किया। बहुत तंग कर रहे थे उस समय राक्षस त्रेता में, परेशान थे लोग, बोल नहीं पा रहे थे डर के मारे। सकल धर्म देखे विपरीता, कह न सकहीं रावण भय भीता। रावण के भय से किसी की जबान नहीं खुलती थी। तो उस समय पर यानी विश्वामित्र जी राजकुमार राम को मांग करके राजा दशरथ के यहाँ से ले गए थे। 12.5 वर्ष तक रखा उनको, उनको सब सिखाया। देखो कहते हैं वीर गुण हो न ज्ञान। गुरु दो तरह के होते हैं, एक दुनियावी चीजों को बताते सिखाते हैं और एक होते हैं आध्यात्मिक गुरु होते हैं जो जीवात्मा को परमात्मा तक पहुंचा देते हैं। अब जो एकदम नए लोग आए हो जीवात्मा के बारे में नहीं जानते हो, जीवात्मा इस शरीर को चलाती है, परमात्मा की अंश है, बहुत छोटी सी है, इन बाहरी आंखों से उसको देख नहीं सकते हैं। जब 5 महीना 10 दिन का बच्चा हो जाता है तब माँ के पेट में ये डाल दी जाती है और जब तक ये शरीर रहता है तब तक ये रहती है। शरीर का समय होता है, जब समय पूरा हो जाता है तब ये जीवात्मा यानी समझो कि ये निकल जाती है। तो जो जीवात्मा को निकलने का अपने घर पहुंचाने का रास्ता बताते हैं समर्थ गुरु हुआ करते हैं। आप बीच में आप कहोगे अपना घर ये जहां हम रहते हैं या आपका घर नहीं है, ये तो समझो आप कि कुछ समय के लिए आपको दे दिया है उसने कि इसमें आप रह लो। जैसे कोई होटल में जाए रहने के लिए, धर्मशाला में जाए रहने के लिए, लेकिन उसी को अपना मानने लग जाए तो यह उसका भ्रम और भूल होगा। ऐसे इस घर को अपना मानना ये भ्रम और भूल है। इसी घर को देखो, अपने कुछ पूर्वज ऐसे रहे बाप दादा कि कहते रहे ये घर मेरा, ये घर मेरा, ये घर मेरा, और मेरा मेरा कहते कहते चले गए। आपका कैसे होगा? यहाँ जो दोनों आंखों से दुनिया की चीजें दिखाई पड़ती हैं यह तो आपकी कुछ है ही नहीं। ये शरीर भी आपका नहीं है। इस जीवात्मा के निकलते ही शरीर की कोई कीमत नहीं रह जाएगी, शरीर गिर जाएगा और इसको लोग मिट्टी कह करके ले जा करके जला करके राख कर देंगे। तो अब आप ये समझो कि आत्मा परमात्मा की है, यह अंश है। और आत्मा को अपने वतन पहुंचाना, जहां से ये नीचे उतारी गई है यानी अपना घर कहलाता है कि अपने घर पहुंचा दिया है जहां से आई है। जैसे आप चल करके यहां पर आए हो, अब आप कोई नहीं पहुंच पा रहे हो, अपने घर भूल गए या बूढ़े हो या कोई बात हो गई और आपको अपने यहाँ घर पर जहाँ रहते हो पहुँचा दिया जाए, तो आप कहोगे कि ये आपने हमको हमारे घर पहुँचा दिया, बड़ा परोपकार किया, बड़ा उपकार किया। तो संतों का जो पूरे संत होते हैं, समर्थ गुरु होते हैं, उनका यही काम होता है कि हम आए हुए देश से जहाँ तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुँचाना एक हमारो काम, एक हमारा लक्ष्य, एक उद्देश्य कि हम तुमको तुम्हारे घर पहुँचा दें। तो गुरु ने ज्ञान कराया, किसको? राम को कराया, विश्वामित्र ने कराया, वशिष्ठ गुरु ने ज्ञान कराया, उनसे दया उन्होंने लिया रावण के विनाश करने में। आप ये समझो कि तभी उनकी आज देखो पूजा हो रही है। कृष्ण देखो गुरु किए, संजीवनी गुरु उनके थे, आध्यात्मिक गुरु सुपर थे, तो उन्होंने गुरु किया। गुरु की जरूरत हमेशा पड़ती है और गुरु जैसा मिल जाता है उसी तरह का ज्ञान वो दे देता है। अब देखो जैसे किसी चोर को कोई नौजवान लड़का मिल जाए और वो उसके हाथ पड़ जाए तो वो तो उसको चोरी ही सिखाएगा और वो उसका गुरु माना जाएगा। आप देखो ये जो गलत लोग होते हैं गलत चीजों की ही ट्रेनिंग देते हैं और जब उसमें फंस जाते हैं ये बच्चे तो जल्दी निकल नहीं पाते हैं। इसीलिए बच्चों के लिए कहा जाता है, जवानों के लिए कहा जाता है कि अच्छों का साथ करो जिससे तुम्हारे अंदर अच्छा ही आवे। थोड़े से लाभ और मान के लिए गलत लोगों के संगत में मत जाओ।
बच्चों को तो बताया जाता है, सब लोगों को ये बात बताई जाती है कि लोभ और लालच में मत पड़ो, अपने प्रारब्ध पर विश्वास करो। जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देता है, परवरिश वो करता है, देता वो है, उस पर विश्वास करो। कर्म करते जाओ, फल उसके ऊपर छोड़ दो, तो उसका जो न्याय है वो पक्का न्याय है, उसका जो नियम है वो नियम टूटता नहीं है, उस मालिक का उस नियम पर अपने मजबूत रहता है। थोड़ा करोगे थोड़े की मजदूरी देगा, ज्यादा करोगे ज्यादा की मजदूरी देगा, जैसा करोगे वैसा मिलेगा। कर्म प्रधान विश्व रच रखा, जो जस 310 पैसा। देखो ये कर्मों का देश है, जो जैसा कर्म करता है उसी हिसाब से उसको अनिम परिणाम मिलता है। इसीलिए कहा जाता है भाई अच्छा कर्म करो। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो न जानकारी में बुरा कर्म कर बैठते हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि साथ ऐसा पड़ गया, समाज ऐसा पड़ गया, और वो ये नहीं जानते हैं कि जो कर्म हम कर रहे हैं इसके शुमार पाप में है, ये पाप कर रहे हैं। जैसे देखो भारत देश में कुछ प्रांत ऐसे हैं, कुछ जिला ऐसे हैं कि जहाँ ज्यादातर मांसाहारी हैं, उनको कोई बताने वाला गया ही नहीं। इक्का दुक्का कहीं मिलेगा कोई शाकाहारी जिसको डॉक्टर ने मना कर दिया होगा कि तुम खाओगे तो जान चली जाएगी, अगर मांस खा लोगे तो तुम्हारा खून तो बिल्कुल बेकार हो गया है और अब तो तुम्हारा शरीर नहीं चलेगा, वही चाहे जान के लालच में छोड़े। नहीं बाकी तो मैं तो घूमता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। एक आदमी ने बताया उड़ीसा में कि यहाँ हमारे गांव में कोई शाकाहारी नहीं, सब मांसाहारी। तो हमने कहा ये जो मंदिर बना है इसके पुजारी, बोले पुजारी भी खाते पीते। तो हमने कहा ऐसा क्यों, बोले यहाँ कोई बताने वाला नहीं आया कि शाकाहारी रहो, कोई नहीं। यहाँ तो सब कहते हैं दादा खाते थे, पिता खाते थे, अब हम भी खाएं, कोई बताने वाला नहीं कि मुर्गा काटने से बकरा काटने से देवता खुश नहीं होंगे, बलि नहीं चढ़ाना चाहिए, कोई बताने वाला नहीं। वो तो कहते हैं देवता नाराज हो जाएंगे, हमारे खानदान में ये पूजा होती रही कि देवता तभी खुश होंगे जब बकरे का सिर उनके सामने काट करके चढ़ाओगे। तो कहीं कहीं तो अज्ञानता में लोग पाप कर बैठते हैं, और कहीं कहीं जबान के स्वाद के लिए जानते हुए भी सुनते हुए भी और अमल नहीं करते हैं। पूजा पाठ भी करते हैं, यज्ञ भी करते हैं, हवन भी करते हैं, तीर्थों में भी जाते हैं, व्रत भी रहते हैं, दान पुण्य भी करते हैं, लेकिन मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं, नशे की गोली खाते हैं। अब आप सोचो कि इतना होते हुए भी, पूजा पाठ और यह सब होते हुए भी, लेकिन खुशहाली नहीं है, बीमारी घर में बनी रहती है, लड़ाई झगड़ा होता रहता है, निंदा अपमान भी हो जाता है, रुपया पैसा बहुत कमाते बरकत नहीं मिलती है। कारण क्या है? कारण यही है कि जो दुखों का निवारण करने वाले हैं, दुखों को दूर करने वाले हैं, जो इन भौतिक चीजों को देने वाले, जैसे ये जल देवता देते हैं, जल जीवन है कहते हो, शरीर के लिए जल की जरूरत है, आसमान की जरूरत है, इस धरती की जरूरत है, आप ये समझो प्रेमियों हवा की जरूरत है, अग्नि की जरूरत है, पांच तत्वों से ही यह शरीर बना है माँ के पेट में, और बाहर निकलने के बाद भी इसको जरूरत है। वो जरूरत पर देवता देते नहीं है, इन तत्वों की कमी कर देते हैं, पूरा माहौल ही खराब कर देते हैं। देवता नाराज हो करके भूचाल ला देते हैं, भूकंप जिसको कहते हो, ये धरती हिलने लग जाती है, ये देखो पहाड़ गिरने लग जाते हैं, आदमी मरने लग जाता है, गाड़ियां दबने लग जाती हैं, आग लग जाती है, स्वाहा करती है, नुकसान करती है, तो ये खुश नहीं होते हैं, बल्कि इन कर्मों से ये नाराज हो जाते हैं। जो कर्म इस वक्त पर आदमी कर रहा है, इसी देवभूमि पर आप देखो, उत्तराखंड में ही देखो, बहुत मांसाहार बढ़ गया, बहुत शराब का प्रचलन हो गया, नशे की गोलियां खिला खिला करके, और लोग अपने आदमी बनाने के चक्कर में यानी जीवन बर्बाद कर दे रहे हैं नौजवानों का। तो आपको समझने की जरूरत है प्रेमियों कि ये देवता इसीलिए नहीं खुश होते हैं, पूजा पाठ होते हुए भी, कि ये पूजा
का जो मंदिर है यही गंदा हो गया है। देखो बच्चा जब पैदा होता है तब उसका जो खून होता है एकदम से शाकाहारी रहता है, और जब दूध पीता है तो दूध का खून बनता है, अनाज खाता है तो अनाज का खून बनता है। आप समझो कि फल फूल खाएगा, साग सब्जी खाएगा तो उसका खून बनेगा, अब जब मांस खा लेगा तो मांस का खून बनेगा। तो ये जो शाकाहारी खून है उस खून से मेल नहीं खाता है, और जब मेल नहीं खाता है तो तरह तरह की बीमारियां शरीर में पैदा हो जाती हैं, तरह तरह की बीमारियां। और खून का दौरा जब तेज होता है तब समझो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। देखो कुत्ते को कितना गुस्सा आता है, जितने भी अन्य समझो कि मांसाहारी जानवर हैं इनको क्रोध बहुत आता है, क्रोध बस ही अभी आप शेर को छेड़ दो तो क्रोध इतना बढ़ जाएगा उसका कि बच नहीं सकते हो। बिल्ली को क्रोध आ जाए तो शेर से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, और शेर के आंख में आंख मिलाए रहती है ऐसे, और शेर की हिम्मत नहीं पड़ती है कि इस पर हमला कर दे, डरता है शेर। यानी आंख से आंख कोई भी उससे मिलाए रहेगा जब तक हमला नहीं करेगा। तो आप समझो कि खून का दौरा जब तेज होता है तो क्रोध बहुत बढ़ जाता है, तो लड़ाई झगड़ा का यही कारण है, बीमारियों का यही कारण है। ये कोरोना और ये तरह तरह की जो बीमारियां आ गईं और अभी इससे भी भारी बीमारियां आने वाली हैं, उन सब का यही कारण है मांसाहार। मांसाहार नहीं करना चाहिए। आप समझो प्रेमियों कि मांसाहार किया, अब उस मांस का खून बना और खून का संचार यानी दौरा जिसको कहते हैं पूरे शरीर में हुआ, तो हाथ में भी हुआ। अब हाथ से हवन करो, हाथ से फूल चढ़ाओ, हाथ से पत्ती चढ़ाओ, हाथ से अक्षत चढ़ाओ, हाथ से दूध चढ़ाओ, कुछ भी करो तो हाथ ही से तो करोगे। आप समझो स्तुति पढ़ोगे आप तो किससे पढ़ोगे, प्रार्थना करोगे देवता का हो, देवी का हो, किसी भी भगवान खुदा का हो, मुंह से ही तो बोलोगे। तो मुंह से बोलोगे तो वो जो जिस्मानी मस्जिद है ये यानी उससे गंदी जगह से वो आवाज निकलेगी तो खुदा खुश होगा कि भगवान प्रसन्न होंगे। कि गुरु ग्रंथ का पाठ करोगे तो आप यानी समझो कि गुरु के प्यारे हो जाओगे, कभी नहीं हो सकता ऐसा। इसलिए इसको पाक साफ रखना चाहिए। जब देखो आप मंदिर बनाते हैं कुछ लोग और वहाँ पूजा करने के लिए जाते हो, उस मंदिर में अगर मुर्दा मांस पड़ा रहे तो पूजा करते हो? नहीं करते हो। मस्जिद में कोई जाए वहाँ गंदा पड़ा हो, गंदगी पड़ी हो, नमाज नहीं पढ़ता है, ग्रंथ का पाठ गुरुद्वारा में नहीं करता है अगर जगह गंदी हो तो। इसको साफ सुथरा रखो, जब यह साफ सुथरा रखोगे तब आपकी प्रार्थना कबूल होगी, और जब कबूल होगी तब यह दुनिया की चीजों की वो कमी नहीं होने देगा, यह उसके हाथ में है। दुनिया की चीजें उसके हाथ में हैं, जो आपके शरीर को चलाने की जरूरत होती है, जैसे भोजन, कपड़ा, रहने का मकान, ये है समाज में रहने के लिए मान प्रतिष्ठा, ये उसके हाथ में है, उस प्रभु के हाथ में। कहते हैं ना कि ये पोजीशन बड़ी खराब थी लेकिन हम जीत गए इलेक्शन, सम्मान बढ़ा दिया उसने, कहते प्रभु की कृपा थी। जो जिस देवी का देवता का पूजा करता है मानता है उसी को श्रेय दे देता है, इनकी कृपा थी। बोले कि बहुत भूख लगी थी, उम्मीद नहीं थी कुछ मिल जाएगा लेकिन उन्होंने दे दिया। यानी ओढ़ना नहीं था ठंडी में लेकिन एक आदमी ऐसा आ गया कि जिसके पास दो था, उसने कहा भाई एक आप ओढ़ लो एक हम ओढ़ लेंगे, आपके पास बैठ करके और रात निकाल देंगे। तो ऐसे ही श्रेय किसको मिल जाता है? उस प्रभु को मिल जाता है, उसको देते हो आप, कर्ता सब वही है। उसको याद रखोगे, उस प्रभु को याद रखोगे, कर्म करते जाओगे तो ये जो जरूरत की चीजें हैं सब आपको मिलती जाएंगी, तो ये जरूरी भी है। इसीलिए देखो इस समय न किसी का घर छुड़ाया जा रहा है, न जमीन जायदाद छुड़ाई जा रही है, इस समय पर न किसी को साधु बनाया जा रहा है, न इस समय पर किसी को कोई परिवर्तन अपने रहन सहन
में करने के लिए कहा जा रहा है। हाँ जरूर है, खान पान के लिए समझाया जाता है, बताया जाता है कि इससे बुद्धि आपकी खराब हो सकती है, ऐसा काम मत करो कि जिससे आप पाप के भागीदार बन जाओ। क्योंकि जो जानवरों को मारता है, काटता है, आप ये समझो लाता है, पकाता है, खाता है, खिलाता है, सबको बराबर पाप लगता है। मारा किसी ने, गोश्त किसी ने निकाला, बेचा किसी ने, खरीद कर कोई लाया, और पकाया किसी ने, परोसा किसी ने, खाया किसी ने, सबको पाप लगता है। जैसे कत्ल होता है तो कत्ल की योजना बनाने वाले को भी सजा मिलती है, हथियार देने वाले को भी सजा मिलती है, कत्ल करने वाले को भी सजा मिलती है, सजा के भागीदार सब होते हैं। तो जैसे यहाँ का नियम है, ऐसे वहाँ का भी नियम है, उस भगवान प्रभु का भी नियम है। तो देखो प्रेमियों, जरूरत तो रोटी कपड़े की सबको है, आप सब लोगों को है, और आपको बरकत नहीं होती है, आपके घर में बीमारी बनी रहती है, आपके घर में तकलीफ बनी रहती है, तकलीफ रहती है, तो भगवान भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो ऐसे समय में अब क्या करना चाहिए, ऐसे समय में यह समझना चाहिए कि भाई खान पान कैसा रहा है, कैसा करना चाहिए, विचार भावना कैसी रखनी चाहिए, संयम और नियम किस तरह का अन्य रखना चाहिए, तभी तो ये जो दिक्कत है, परेशानी है, ये दूर हो पाएगी। क्योंकि अभी आज मैं आपसे कहूँ कि मैं आपको भगवान के मिलने का रास्ता बताता हूँ और भगवान से मैं आपको मिलवा दूंगा, देवी देवताओं का दर्शन आपको करा दूंगा, उनसे आपको मिलवा दूंगा, लेकिन रोटी नहीं मिलेगी। भगवान तो आपके साथ रहेंगे लेकिन आपको खाना नहीं मिलेगा। तब आप जैसे धार्मिक लोग तो धर्म कर्म के संदेश को सुनने के लिए आए हो, आप तो ये कहोगे भाई भगवान से ही कह दो कि पहले हमारा पेट भर दें, तब भगवान भी हमको अच्छे लगेंगे। भूखे भजन न हो भवाला का ना ले भवाल कंठी माला, रख दिया कंठी माला, कहा भूखे में कुछ नहीं होगा, भूखे में कुछ नहीं हो सकता है। एक घटना याद आ गई, एक सत्संगी ही थे तो अपने लड़के से, वो लड़का कहा है वो फोर्स में थे, कहा हम भी फोर्स में जाएंगे, फोर्स में जाएंगे, तो बोले पहले बॉडी तो बना फिर तो फोर्स में जाएगा, चल कसरत कर। जब कहा खा लेने दो तब कसरत करें, बोले नहीं नहीं कसरत खाली पेट किया जाता है, खाने बाद कसरत नहीं किया जाता। बोला बगैर खाए हम उठ बैठ नहीं पाएंगे, ये कसरत नहीं कर पाएंगे। ऐसे होता है, भूख में जल्दी पानी कुछ अच्छा नहीं लगता है, रोटी जरूरी है। कह दिया जाए कि पड़े रहोगे चार पाई पर, उठ बैठ नहीं सकते हो, लेकिन विष्णु भगवान पंखा जलते रहेंगे, मोहम्मद साहब बैठे, गुरु साहब बैठे, आपका अन्य सेवा करते रहेंगे, पंखा जलते रहेंगे, हाथ पैर दबाते रहेंगे, तो कहोगे नहीं भाई गुरु जी से ही कह दो हमको स्वस्थ कर दें, उन्हीं से कह दो, भगवान से खुदा से कह दो कि हमको स्वस्थ कर दें, फिर वो भी हमको अच्छे लगेंगे, हम उन्हीं की सेवा करेंगे। कह दिया जाए कि अपमान कर दिया जाएगा, निंदा कर दी जाएगी, मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे, लेकिन भगवान आपके साथ 24 घंटे रहेंगे, तो कहोगे कि भगवान से ही कह दो जब तक हम रहें, इज्जत के साथ रहें, यहाँ इज्जत के लिए ही सब कुछ करते हैं, घर मकान गाड़ी घोड़ा कपड़ा वगैरह अच्छा पहनते हैं इज्जत के लिए, तो ये तीनों चीजें जरूरी हैं। जय गुरुदेव। अभी आपने बाबा उमाकांत जी महाराज के सत्संग को सुना। बाबा जी अन्य किसी से चंदा न लेकर अपने प्रेमियों के सहयोग से देश विदेश में तमाम जनहित के काम करते हुए सभी तरह की तकलीफों को दूर करने व प्रभु के मिलने का उपाय बताते हैं। आप इस जीवन के इस बचे हुए समय में समय निकाल कर बाबा जी से जरूर मिलिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।